Welcome students, exercise 8A, question number 4, subtraction. लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन जो है वो वर्टिकली सॉल्व किए थे और मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो है वो दो तरह से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली. तो वर्टिकली तो हमने देख लिया कैसे, हॉरिजॉन्टली आज हम सीखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है. तो यही सारे क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन जो है मैंने आपको सॉल्व करके आज दिखाने. ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं. ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1, ए माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 2a प्लस बी माइनस सी. तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाली जो एक्सप्रेशन है उसे हम पहले लिखेंगे, ठीक है, और फ्रॉम से पहले जो है वो बाद में लिखी जाएगी. तो वहां पर तो हमने ये किया था कि उसको अरेंज करके लिखा था और जो सेकंड एक्सप्रेशन थी उसके हमने साइन चेंज कर दिए थे. यहां पे क्या करेंगे देखिए, हमने फर्स्ट वाली जो है वो इधर लिखी, सेकंड वाली जो है फ्रॉम के बाद वाली जो है वो पहले लिख दी, ठीक है. ये लिखने के बाद आपने लगाना है माइनस का साइन और फिर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन यहां लिखनी है. अब क्या करेंगे, ये जो आपकी एक्सप्रेशन है इसको एज इट इज आपने नीचे उतार देना है और यहां पर जो साइन है माइनस का जो हमने लगाया है, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं इसीलिए हमने यहां माइनस का साइन लगाया है, ठीक है. तो माइनस के साइन को अंदर वाले साइन से, अंदर वाले हर टर्म के साथ जो भी साइन लगा हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे. जैसे माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है. यानी दो एक जैसे साइन हुए तो प्लस हो गया और दो ऑपोजिट साइन हुए तो माइनस हो गया. माइनस प्लस माइनस ए एज इट इज, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं करना है इसमें, जस्ट साइन को मल्टीप्लाई करना है, नंबर को हमने या वेरिएबल्स को कुछ भी नहीं करना है. माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ओके. अब फिर सेकेंड, सेकेंड में आप ये करना कि सेम वेरिएबल्स को इकट्ठे कर लेना, यानी ए माइनस ए एक जगह कर दिया, बी बी एक जगह कर दिया, सी और सी हमने एक जगह पर लिख दिया, यानी अरेंज कर लिया वेरिएबल के जरिए, मतलब वेरिएबल के रिस्पेक्ट से. अब इसे सॉल्व कीजिएगा, प्लस और माइनस दो ऑपोजिट साइन, तो काम क्या करना है हमें, माइनस का करना है. टू में से हमने वन को माइनस किया, वन आया और साइन किसका बड़ा भाई, प्लस का बड़ा लगा दिया. अब इस पर आ जाइए, प्लस प्लस काम होगा प्लस का, 2a 2b और साइन भी आ जाएगा प्लस का. यहां पर देखिए माइनस माइनस, काम करेंगे हम प्लस का और साइन किसका लगेगा, माइनस का. तो सेम यही रिजल्ट आपको वहां पर वर्टिकली जब मैंने सॉल्व करवाया था तो भी आपको सेम यही रिजल्ट आया मिला था. अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे 2a प्लस 3b प्लस सी, माइनस का साइन. अब फर्स्ट एक्सप्रेशन 3a माइनस 2b माइनस 4c इक्वल का साइन. अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, ये वाली पूरी टर्म, ये वाली पूरी टर्म बच्चों इसी तरह से हो जाएगी, इस माइनस के साइन को अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करते जाना है. 2a प्लस 3b प्लस सी, देखो माइनस प्लस माइनस, 3a माइनस माइनस प्लस 2b माइनस माइनस प्लस 4c. अब सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, सेम वेरिएबल्स को आप एक जगह कर लो, यानी a a 2a, ये नहीं देखो इसके साथ साइन क्या है, जो भी चीजें हैं आपने जस्ट वेरिएबल देखना है इसका, ठीक है. ए है ए है, बस इकट्ठे हमने कर दिया. फिर बी और बी प्लस 3b प्लस 2b. अब सी प्लस सी और प्लस 4c. अब इसे आप सॉल्व कीजिए. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हम सॉल्व करने के लिए क्या देखते हैं कि उसका वेरिएबल सेम होना चाहिए. अगर वेरिएबल सेम है तो ही वो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज हम उनको नहीं कर सकते कुछ भी. तो यहां क्या हो गया, प्लस माइनस, काम होगा माइनस का, तो ए आ गया. थ्री में से टू माइनस किया, वन बचा और साइन किसका बड़ा भाई, माइनस का बड़ा, तो माइनस का साइन लगा दिया. यहां पर काम होगा प्लस का और साइन भी आ जाएगा प्लस का. यहां पे भी काम होगा प्लस का
और साइन भी आ जाएगा प्लस का. तो ये आपका फाइनल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस टू ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी माइनस टू बी स्क्वायर. सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं लिहाजा माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाई. सेवन ए स्क्वायर माइनस एट ए बी माइनस बी स्क्वायर. इक्वल के नीचे इक्वल का साइन. फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज. अब इस माइनस के साइन को अंदर के टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, साइन को मल्टीप्लाई कर देना है. तो माइनस प्लस माइनस सेवन ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एट ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर. अब सेम वेरिएबल्स को एक जगह, माइनस टू ए और कहाँ पर है, टू ए स्क्वायर यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो माइनस सेवन ए स्क्वायर. ए बी कहाँ कहाँ पर है, प्लस थ्री ए बी और है प्लस एट ए बी और माइनस टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब हमारा आएगा आंसर. तो काम होगा यहां पर प्लस का, सात दो नौ ए स्क्वायर और साइन किसका बड़ा भाई, माइनस का बड़ा लगा दो. यहां पर काम होगा प्लस का, साइन भी होगा प्लस का, तो क्या हो जाता है, 11 साइन होगा माइनस का और काम भी होगा माइनस का. तो ये आ गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड. ब्रैकेट क्लोज. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड एज इट इज उतार दिया. अब माइनस के और यहाँ के सारे साइंस को मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू वाई जेड. अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड माइनस टू वाई जेड. अच्छा जी, क्या बताया था, सेम वेरिएबल्स हों, कोफिशेंट भी सेम हो, साइन ऑपोजिट हो, क्या हो कर देना भाई, क्रॉस कर देना है. ठीक है, ये क्रॉस हो गया और यहाँ पर आ जाएगा टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी क्रॉस यहाँ पे भी क्रॉस, तो आपका आंसर आ गया टू वाई सेवन टू वाई स्क्वायर. सेकेंड ये वाली टर्म पहले उतारनी है जी, माइनस पी रेज टू द पावर फोर प्लस फाइव पी क्यूब प्लस फोर पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस टू. माइनस का साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस का साइन लगा रहे हैं. प्लस करते तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाता. अच्छा खैर, मैं आपको अलग से प्लस करके दिखा दूंगी कि एडिशन जब हम करते हैं हॉरिजॉन्टली तो किस तरह से किया जाता है. थ्री पी स्क्वायर फोर पी और माइनस फाइव. माइनस प्लस माइनस 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 प्लस
माइनस माइनस प्लस 4p माइनस माइनस प्लस 5। अब क्या कर लीजिए, सेम वेरिएबल्स को इकट्ठे कर लीजिए, माइनस पी 4 माइनस पी 4 प्लस 5 p क्यूब प्लस 2 p क्यूब।